उपजिला अस्पताल सुंदरवनी डॉक्टरों की कमी के चलते खुद बीमार पड़ा हुआ है, मगर स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सो रहा है। उपजिला अस्पताल सुंदरवनी में प्रतिमाह 16 से 18 हजार लोग अपना इलाज कराने आते हैं, मगर डॉक्टरों की कमी के चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं मरीजों के भारी रश के कारण डॉक्टरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार बकैमो खुद भी इमरजेंसी में अपनी सेवाएं देते देखा गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुंदरवनी से रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने उप जिला अस्पताल सुंदरबनी का दौरा किया तो हमने आपको दिखाया। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो उप जिला सुंदरबनी अस्पताल है, जहां प्रति माह 16 से 18 हजार मरीज जो हैं वो तीनों उप जिलों नौशहरा, कालाकोट और दूधराज के गांव से यहां पर अपना इलाज करवाने के लिए जो हैं वो यहां पर आते हैं। लेकिन डॉक्टरों की जो है वो यहाँ पर भारी कमी है। डॉक्टरों की कमी के चलते ये जो सुंदरबनी का उप जिला अस्पताल है ये खुद बीमार है। मैं आपको बताता चलूँ कि सुंदरबनी उप जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी 6 जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर खाली हैं। जो ENT की अगर बात की जाए तो वो 2 पोस्टें हैं और दोनों की दोनों खाली हैं। फिजिशियन की अगर बात की जाए तो 1 जो डॉक्टर यहाँ पर हैं और 1 पोस्ट जो है वो खाली है, जिसकी वजह से जो सुंदरबनी का अस्पताल है वहाँ हमेशा जो भारी रश होता है और भारी रश के चलते कई बार डॉक्टर जो हैं उनकी जो यहाँ पर मरीज इलाज करवाने पर के लिए जहाँ पर आते हैं उनके साथ जो है वो कई बार तू में भी हो जाती है। और काफ़ी समय यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जब यहाँ माहौल जो है वो ख़राब हुआ है। और बात की जाए अगर सफाई कर्मचारियों की तो वो अस्पताल की सफाई क्या होगी आप खुद जो है वो देख सकते हैं, लेकिन तारीफ इस सुंदरबनी का जो अस्पताल है उसकी करनी होगी कि 5 जो पोस्टें हैं वो सफाई कर्मचारियों की यहाँ पर हैं, लेकिन मात्र 1 सफाई कर्मचारी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। और बात की जाए अगर 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की तो वहाँ हद तब हो जाती है कि 15 पोस्टें जो हैं वो यहाँ इस अस्पताल में हैं और मात्र 1 जो यहाँ पर 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर हैं, और वो भी यहाँ बाहर से कहीं जो अस्पताल है वहाँ से उनको यहाँ पर बुलाया गया है। अब हमारी आवाज़ जो है वो अगर जम्मू कश्मीर सरकार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बाली भगत जी, अगर उनके कानों तक पहुँचती है तो हमारी बार पहुँचती है तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या सुंदरबनी का ये जो उप जिला अस्पताल है जो कि डॉक्टरों की कमी और दूसरा जो यहाँ पर स्टाफ है उसकी कमी के चलते खुद बीमार है, ये कब ठीक होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। JK खबर 9 के लिए सुंदरबनी से कैमरामैन जोगराज के साथ में रवि शर्मा।